स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो मेरे भाइयों, चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे, जो मेरे पास आया है होंडा साइन कंपनी का बाइक है, और इस बाइक में अगर प्रॉब्लम होता है, स्पार्क प्लग में अगर करेंट नहीं आया है, तो हम लोग किस तरह से जाँच करें जो इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा है, किस कॉयल के वजह से ये नहीं आ रहा है। क्योंकि इस बाइक में करंट आने के लिए चार कॉयल की ज़रूरत होता है, जैसे कि एक स्टार्टिंग कॉयल, एक सीडीआई कॉयल, एक पिकअप कॉयल और एक वोल्ट। चार तरह का चीज़ का ज़रूरत होता है, तब जाके इग्निशन लाइन चालू होता है। तो वो सब कुछ चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आए, तो सबसे पहले हम आएंगे सीडीआई यूनिट पर, क्योंकि इसका जो जितना भी सिस्टम है हम लोगों का सीडीआई यूनिट ही है, और सीडीआई यूनिट है हम लोगों का काम कर सकता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम आप लोगों को बताएंगे सीडीआई यूनिट पर हम लोग कौन सा चीज़ चेकअप करें, इसमें वोल्ट कहाँ से आता है, कितना वोल्ट का ज़रूरत होता है। तो इस वीडियो में बताऊँगा मल्टीमीटर के साथ। अगर किसी के पास मल्टीमीटर नहीं भी है, तो इस बॉल की वजह से आप लोग जान सकते हैं इसमें वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे मेरे पास ये मल्टीमीटर है, हम आपको बता रहे हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इसमें दो कपलर दिख रहा है आप लोगों को, सीडीआई का जो कपलर होता है, दो कपलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब हम चेकअप करेंगे ये छोटा वाला जो कपलर है इसको नहीं, क्योंकि इसका साथ हम लोगों का इग्निशन लाइन का कोई संपर्क नहीं है, लेकिन सेंसर का साथ है, कार्बोरेटर में रहता है वो सेंसर का साथ है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये अगर वायर खुला भी रहे तो भी बाइक में स्पार्क प्लग में करंट आएगा। अब हम आपको बता देते हैं, ये चार वायर का कारण ही हम लोगों का स्पार्क प्लग में करंट आता है और बाइक स्टार्ट होता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, कौन सा वायर में वोल्ट आएगा, कौन सा वायर में पिकअप कॉइल आएगा, कौन सा वायर में अर्थिंग आएगा, कौन सा वायर में आउटपुट वोल्ट जाएगा, तब जाके बाइक स्टार्ट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, मल्टीमीटर के साथ सबसे पहले हम आपको वोल्ट बताते हैं। इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन करो। तो ये रेड में जो ब्लैक है, मेरे मैकेनिक भाइयों, रेड में जो ब्लैक है इसमें 12 वोल्ट आएगा। तो हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यू जैसे 20 पे किया और हमने प्लस कनेक्शन इस पर लगाएंगे मेरे मैकेनिक भाइयों, और कहीं भी बॉडी का साथ टच करेंगे। यहाँ देखिए मेरा मल्टीमीटर में 12 वोल्ट 75 पॉइंट आ रहा है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि हम लोग बगैर मल्टीमीटर का वोल्ट किस तरह से चेकअप करें, जितना भी बाइक है मैकेनिक क्या करते हैं, एक वायर को भरते हैं और कहीं बॉडी का साथ टच करते हैं और फ्यूज मार खा लेता है बाइक का। उसमें अगर फ्यूज ना रहे तो बाइक का वायरिंग जल जा रहा है। अब हम आपको बगैर मल्टीमीटर से भी बताऊंगा किस तरह से हम लोग चेकअप करें। तो ये जो हमारे पास बॉल कनेक्शन है, हम इसमें वोल्ट चेकअप करेंगे। जैसे कि कोई भी वायर हम यहाँ लगाएंगे मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे रेड में ब्लैक वाला वायर पर हमने लगाया, ठीक है। अब हम आपको बॉल जला के दिखाते हैं इसमें वोल्ट आएगा। अब मेरे मैकेनिक भाइयों देखो, यहाँ बॉल जल जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा 12 वोल्ट आ रहा है। जिसके पास मल्टीमीटर नहीं है वो भी ये चेकअप करता है बॉल की मदद से, तो इसमें वोल्ट आ रहा है। अब जैसे कि ग्राउंड हम किस तरह से चेक करें, ये बॉल के माध्यम से हम ग्राउंड चेक कर सकते हैं। तो ये जो मेरा वोल्ट तो मुझे मिल गया, अब ये जो सबूज कलर का वायर है मेरे मैकेनिक भाइयों, इसमें हम लगाएंगे अर्थिंग, चेक करेंगे अर्थिंग आ रहा है कि नहीं। तो चलो हम इसे लगाते हैं और देखो ये बॉल जल गया है, तो अर्थिंग भी ठीक आ रहा है। अब पिकअप कॉइल किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ मेरे मैकेनिक भाइयों। यहाँ देखिए पिकअप कॉइल भी आप लोगों को हम बता देते हैं, जैसे कि बगैर मल्टीमीटर के आप लोग किस तरह से चेक करें। जैसे कि एक वायर को लगाया और हम यहाँ कनेक्शन करेंगे, तो ये फिल्मिंग थोड़ा सा जल रहा है, देखो एकदम थोड़ा सा फिल्मिंग जल रहा है, गौर कीजिए, ये बंद हो गया, देखो ये फिल्मिंग थोड़ा सा जल रहा है, देखो ये थोड़ा फिल्मिंग जल रहा है। सेंसर कॉइल हम माप रहे तो फिल्मिंग थोड़ा सा जल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं जल रहा है। तो पिकअप कॉइल अगर हम लोग मापे बगैर मल्टीमीटर का एक बॉल के माध्यम से, तो पिकअप कॉइल जब मापेंगे तो इसका फिल्मिंग हल्का आएगा, और जब हम लोग ग्राउंड चेकअप करेंगे तो इसमें ज़्यादा वोल्ट आएगा, और जैसे कि वोल्ट चेकअप करेंगे तो इसमें ज़्यादा वोल्ट आएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम आपको मल्टीमीटर के साथ बताते हैं किस तरह से हम लोग पिकअप कॉइल चेकअप करें और किस तरह से अर्थिंग चेकअप करें। इसके लिए हम लोग को मल्टीमीटर को कंटिन्यू में करना पड़ता है, और ये जो सबूज कलर का वायर है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये अर्थिंग है। अर्थिंग हम चेकअप करेंगे सबसे पहले। तो चलो अर्थिंग हमने चेकअप किया, तो देखो यहाँ अर्थिंग में मेरा लास्ट में 0-0 हो गया, तो इसका मतलब अर्थिंग भी ठीक आ रहा है। वोल्ट भी आपको दिखाया मल्टीमीटर से, अर्थिंग भी दिखाया। अब हमको जैसे कि पिकअप कॉइल दिखाते हैं, ये जो नील में थोड़ा दिखाई दे रहा है पीला कलर, इसमें हम एक को लगाएंगे और इसको टच करेंगे।
तो 121 आ रहा है होंडा बाइक में, 121 ही आएगा 100। अब जैसे कि यहाँ भी आर्थिंग मिल रहा है सबुज कलर में, इसमें भी हम लगा के देखता है, देखो 121 ही आ रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर वोल्ट आ रही है, ग्राउंड आ रही है, पिकअप कॉइल आ रही है, तो अगर CDI कॉइल अच्छा रहे तो ये जो आपको ब्लैक में येलो कलर दिखाई दे रहा है ये चल जाएगा डायरेक्ट, जैसे वहाँ दिखाई है, जैसे यहाँ इनपुट है, यहाँ देखिए ब्लैक में पीला है, और इसका मेन जैसे CDI में आउटपुट है और ST कॉइल का इनपुट है। तो यहाँ वोल्ट आने के बाद हाई वोल्ट करके स्पार्क प्लग में करंट आता है। अब सवाल है मेरे भाइयों, इसमें वोल्ट आ रही है और इस प्लग में नहीं आ रहा है, तो ये कॉइल अगर कटा रहा है तो भी नहीं आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग वोल्ट, जैसे कि आप वोल्ट यहाँ नहीं पा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, रेड में ब्लैक जो कलर है मेरे मैकेनिक भाइयों, इसमें हम लोगों को वोल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे अभी मिल रहा है सैंपल के तौर पे, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उस टाइम क्या करें, बाइक का जैसे इग्निशन स्विच होता है, इग्निशन स्विच भी ख़राब होता है, जैसे कि वायर अगर कट भी जाए, यहाँ से लेके जितना वायरिंग तक वायर है वहाँ देखिए अगर कटा रहा है तो वोल्ट अगर नहीं आएगा तो नहीं फायरिंग नहीं आएगा। तो आप लोगों को यहाँ वोल्ट हर हाल में लाना चाहिए। अगर वोल्ट जैसे कि कहीं से नहीं आ रहा है तो आप लोगों को बैटरी का टर्मिनल जो प्लस कनेक्शन है वहाँ से भी आप लोगों को वोल्ट देख के चेकअप करना चाहिए। अगर वोल्ट आ रही है तो आपको सिग्नल CDI कॉइल वर्क करेगा। अब जैसे वोल्ट का ज़रूरत है, वोल्ट हमको कहीं से भी लाना है, उसके बाद अर्थिंग भी अगर मिस करेगा तो अर्थिंग भी हम लोगों को चेकअप करना है, बॉडी अर्थिंग भी करके देखना है। अब पिकअप कॉइल नहीं आ रहा है, तो पिकअप कॉइल अगर नहीं आ रहा है मेरे मैकेनिक भाइयों, तो आप लोगों को जाना चाहिए उस साइड में, एक मैग्नेट का वहाँ आर्मेचर कॉइल होता है, मैं चलो बताता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यहाँ जो कपलर है, एक ब्लैक कपलर वाला है, ये वोल्ट के लिए है, और ये जो सेंसर कॉइल का वायर मैंने आपको दिखाया, थोड़ा जैसे कि ग्रीन पर येलो कलर है, तो ये हम लोगों का पिकअप कॉइल है। अगर इसका साथ कनेक्शन रहेगा तो ही उसमें CDI कॉइल में ग्राउंड पॉइंट जाएगा। अब हम यहाँ चेकअप करेंगे जो 121 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं, तो चलो हम इसे मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे करते हैं, और जैसे कि हम लोग यहाँ चेकअप करते हैं। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, हम यहाँ बगैर मल्टीमीटर के आपको किस तरह से चेकअप करें, हमारे पास बॉल है, हम मल्टीमीटर से, बगैर मल्टीमीटर से भी यहाँ चेकअप कर सकते हैं। जैसे कि एक टर्निंग को यहाँ लगाया और एक हम प्लस कनेक्शन में लगाएंगे, तो यहाँ फिल्मिंग जल रहा है, देखो फिल्मिंग जल रहा है, बंद हो गया, जल रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम लोग वोल्ट और ग्राउंड अगर दे तो इसका फिल्मिंग आएगा, तो ही हम लोगों का संसार कॉइल ठीक होता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस वीडियो में अब सिर्फ आप लोगों को हम बताया जो स्टार्टिंग कॉइल किस तरह से वर्क करता है। अगला वीडियो में हम बताएंगे बैटरी के चार्ज सिस्टम, जैसे बैटरी चार्ज अगर बाइक में ना दो, बैटरी अगर खोल लेंगे तो बाइक अगर बंद हो जाता है, तो इसके बारे में अगला वीडियो में बताएंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को हम बताया होंडा साइन बाइक का इग्निशन कॉइल किस तरह से वर्क करता है। इनपुट लाइन अगर ठीक रहे, CDI कॉइल अगर ठीक रहे, तो 100% हम लोगों का इग्निशन में लाइन आएगा। आप लोगों को हर वीडियो में हम बताता हूँ, हर बाइक का सिस्टम एक ही होता है, लेकिन हम लोगों को जानना पड़ता है कौन सा वायर में वोल्ट आना चाहिए, कौन सा वायर में पिकअप कॉइल आना चाहिए, कौन सा वायर में ग्राउंड आता है। ये तीन चीज़, पिकअप कॉइल, जैसे पिकअप कॉइल, ग्राउंड और वोल्ट, ये तीन चीज़ अगर CDI में घुस जाए ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जो इग्निशन लाइन इग्निशन कॉइल को दे देता है। अगर इग्निशन कॉइल में वोल्ट जाता है और स्पार्क प्लग में नहीं जाता है, तो स्टार्टिंग कॉइल भी ख़राब हो सकता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हर वीडियो में, हर तरह बाइक का वीडियो का जो इग्निशन लाइन है उसके बारे में बताता हूँ। अब मैं आगे भी आप लोगों को बताऊँगा BS6 के बारे में। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का सब रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीत बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।